गीता ज्ञानम सर्वोत्तम जागृति मुंदड़ा 7 फरवरी तक प्रतिदिन शाम को गीता जी पर होगा सत्संग प्रवचन जयपुर। आस्था क्या टूट केंद्र श्री अम्ब्यापुरा स्थान जयपुर में पावन शनिवार के दिवस पर सायंकाल बहन जागृति मुंदड़ा द्वारा श्रीमद् भगवद् गीता पर प्रवचन किया गया। बहन जागृति मुंदड़ा द्वारा अपने मुखारविंद से उपस्थित श्रद्धालुओं को विषाद योग के बारे में बताया। अर्जुन को मोह हो गया, विषाद हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को रणभूमि में दिया। आत्मा अजर अमर है, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। गीता में 18 अध्याय है, 18 योग है, 700 श्लोक है। आगे बताया कि सदैव अपने कर्म पर हमें ध्यान रखना चाहिए, फल की इच्छा कदाचित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा कर्म होता है उसी अनुरूप हमें फल की प्राप्ति होती है। इस वर्तमान घोर कलयुग में हम पहले फल की इच्छा रखते हैं, कर्म उसके बाद करते हैं, जिससे हमारे जीवन में संदेह एवं संशय की उपस्थिति जागृत होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि हमारे कर्म चक्र की भांति चलते हैं, जो पुनः लौटकर यथावत हमारे पास आते हैं, इसलिए सदैव सत्कर्म करो। अम्ब्यापुरा स्थान जयपुर के व्यवस्थापक सत मोनूराम महाराज ने बहन जागृति मुंदड़ा का अभिवादन किया एवं आभार व्यक्त किया कि इतना सुंदर ज्ञान उन्होंने श्रद्धालुओं को दिया, जिससे कि उनके जीवन में भी निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा। संतों द्वारा बहन जागृति मुंदड़ा का प्रखर प्रसाद देकर सम्मान किया गया। श्री अमरापुर स्थान में गीता जी पर 5 दिन तक प्रतिदिन शाम 4:30 से 5:30 सत्संग प्रवचन होगा।